Hello friends, today I'm gonna discuss you about how to install WordPress on Cpanel. आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप WordPress के लेटेस्ट वर्जन को Cpanel पे इंस्टॉल करेंगे. मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग मिस्टेक्स वाइल दे आर इंस्टॉलिंग WordPress ऑन Cpanel. तो बहुत से लोग हैं जो कि गलती करते रहते हैं जब वो WordPress इंस्टॉल करते हैं Cpanel पे. बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो लोग कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी स्टेप्स बताने वाला हूँ WordPress को इंस्टॉल करने के. चाहे वो आपका GoDaddy का सर्वर हो, बेगरॉक का हो या कोई भी सर्वर हो, आप उसके Cpanel पे जाके बहुत ईजीली WordPress इंस्टॉल कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर करो और हमारे को सपोर्ट करो. तो स्टार्ट करते हैं कि हम WordPress कैसे इंस्टॉल करेंगे. सबसे पहले आपको एक WordPress का लेटेस्ट वर्जन या कंपेटेबल वर्जन डाउनलोड करना है जो कि आपको WordPress की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा. मैं भी आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारा सब कुछ करना है. सेकंड, आपको एक WordPress में एक डेटा WordPress का एक डेटाबेस बनाना है. वो डेटाबेस आपको Cpanel पे जाके एक डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको अपना एक डेटाबेस बनाना है और एक यूज़र डिफाइन करना है वहाँ पर. उसके बाद आपको अपना WordPress की जो फाइल्स हैं, जो zip फाइल आपने डाउनलोड करी है, उसको आपको Cpanel पे अपलोड कर देना है. या डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो या किसी FTP क्लाइंट के थ्रू अपलोड कर सकते हो. और उसके बाद आपको WordPress को इंस्टॉल कर देना है. तो बेसिकली जब WordPress की फाइल्स आप अपलोड करोगे तो वहाँ वो आपकी wp-config.php फाइल में जो आपने डेटाबेस और यूज़र नेम डिफाइन किया है वो उसको मैप करेगा, और उसको मैप करने के बाद ही वो उसको ठीक तरह से इंस्टॉल करेगा. अगर आपने कहीं भी डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स या यूज़र नेम में आपने अगर मिस्टेक कर दी तो वहाँ वो WordPress आपका ठीक तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा. इसलिए आप ये लोग ज़रूर ध्यान रखें कि अपना WordPress का डेटाबेस बनाते समय उस डेटाबेस का नेम, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उसको ठीक तरह से नोट डाउन कर लें. सो फर्स्ट डाउनलोड द WordPress. तो यहाँ पर आप डाउनलोड WordPress गूगल पे लिख सकते हैं और यहाँ पर ये ऑफिशियल आईडी है wordpress.org, ये आपको मिल जाएगी. एंड जस्ट क्लिक ऑन द wordpress.org. तो यहाँ आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा wordpress.org का. तो यहाँ आप ये लेटेस्ट वर्जन जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो विंडोज़ जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं WordPress का ये वाला वर्ज़न, और जो यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ये वाली फ़ाइल. ठीक है, तो यहाँ पे इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये WordPress 5.7.2 डाउनलोड हो जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है. और देन डाउनलोड करने के बाद आपको Cpanel में लॉगिन करना है. ये Cpanel आपका आप जानते होंगे सभी लोग, इस तरह का Cpanel होता है आपका. और फाइल मैनेजर पे क्लिक करके आपको ये इस तरह की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी. तो यहाँ आपको अपना डायरेक्टरी पाथ चूज़ कर लेना है public_.html में जाके, जो भी आपका डोमेन है उस डोमेन की डायरेक्टरी को चूज़ करने के बाद आपको वहाँ पर अपना ये WordPress की जो फाइल जो zip है इंस्टॉल जो डाउनलोड करी है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है. तो मैं यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन चूज़ करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा फाइल को. एंड सेलेक्ट फाइल करके मैं अपना जो डाउनलोड मैंने जहाँ पे करके रख रखा है, जो कि मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे डाल रखा है, वहाँ उसको आपको अपलोड कर देना है. तो यहाँ देखो आप WordPress 5.7.2 कि जो zip है ये यहाँ पे अपलोड हो रही है. तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगी, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, हार्डली आपको एक मिनट लगेगा इसे इंस्टॉल करने में, यहाँ पे अपलोड करने में. तो ये जब अपलोड हो जाएगी तो इसको एक्सट्रैक्ट करना है. तो बेसिकली WordPress कोई भी वेबसाइट के लिए, जो कि ब्लॉग की वेबसाइट है, ब्लॉग है या कोई भी अदर वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, वो बहुत ही हेल्पफुल है. WordPress जो है बेसिकली PHP पे बेस्ड है और ये ओपन सोर्स CMS है जो कि PHP टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. तो आप सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ मैं इसको WordPress यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है. तो यहाँ मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करूँगा इस फाइल को, और यहाँ ये इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. ओके, तो यहाँ फाइल्स इसकी WordPress की जो भी फाइल्स होती हैं कोर फाइल्स वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी रेडीमेड. तो यहाँ आपको WordPress का फोल्डर यहाँ पर ये मिल गया. ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ. इसको मैं रीनेम करूँगा लाइक बीटा, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे. ठीक है,
यहाँ मेरा एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा फोल्डर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया बीटा। तो यहाँ हम बीटा वर्जन पे हम इसको अपलोड करके देख सकते हैं। तो हमारा जो भी डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल dh, तो यहाँ बीटा, यहाँ पर ये इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा वर्डप्रेस का, ठीक है। तो यहाँ इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये वर्डप्रेस का डेटाबेस नेम मांगेगा, डेटाबेस यूज़र नेम एंड डेटाबेस पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको cpanel में जाना है, और cpanel में जाके यहाँ पर MySQL डेटाबेस विजार्ड में जाना है। यहाँ आप डेटाबेस विजार्ड ओपन करेंगे। अभी मैं आपको एक डमी डेटाबेस क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जो कि है डमी 2K21। और यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्रिएट करने के बाद आपको ये डेटाबेस नेम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप 64 करेक्टर्स मैक्स डेटाबेस नेम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यूज़र नेम डमी 2K21, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड आप डाल सकते हो डमी @2K21, ठीक है। यहाँ मैं पासवर्ड डाल दूंगा और यहाँ आप क्रिएट यूज़र करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट यूज़र करना है आपको। और यहाँ क्रिएट यूज़र होने के बाद आपको ये जितने भी प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस मींस राइट्स मांग रहा है कि इस यूज़र, ये यूज़र जो है डमी 2K21 नाम का जो यूज़र है और जो डेटाबेस है डमी 2K21, इसको क्या क्या प्रिविलेजेस आप देना चाहते हो, क्या क्या राइट्स देना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे आप ऑल प्रिविलेजेस को सिलेक्ट कर लोगे, ये सारे ही हमारे को राइट्स उसको देने हैं, और नेक्स्ट चूज़ करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डेटाबेस आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ डेटाबेस ऐड हो चुका है, यहाँ पर हमारे को अब लेट्स गो करना है। डेटाबेस का नाम डालना है, जो कि डेटाबेस का नाम था यहाँ पर आपका डमी 2K21। यहाँ पे इसका यूज़र नेम डालना है एंड द पासवर्ड। और यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ अब आपको टाइटल मांगेगा, टाइटल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लॉग वेबसाइट। यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ एडमिन। यहाँ पासवर्ड मैं कॉपी कर लेते हैं एंड मैं पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग डाल देता हूँ। एंड देन पासवर्ड के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आप सब लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं डिस्करेज कर देता हूँ। डिस्करेज मींस होता है कि सर्च इंजन आपकी जो वेबसाइट को है वो इंडेक्स ना करे। और मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए सक्सेसफुली जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे आप वर्डप्रेस का वर्ज़न चेक कर सकते हो, वर्ज़न 5.7.2 हम यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर वर्डप्रेस के आगे के आपको अगर ट्यूटोरियल्स देखने हैं, जानने हैं कि वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करा जाता है, इस पैनल को कैसे चलाया जाता है, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको आगे वर्डप्रेस के सारे ट्यूटोरियल्स के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।